पाकिस्तान क्रिकेट फैन के लिए आई इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बताते चले कि पाकिस्तान टीम को चैंपियन ट्रॉफी 2025 से पहले कमबैक करने का इस वक्त सबसे बड़ा मौका सामने आया। बात करें पाकिस्तान टीम की, तो पाकिस्तान टीम सबसे बड़ी सीरीज खेलने वाली ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो पाकिस्तान टीम 3 ODI और 3 T20 मैच की सीरीज खेलने वाली है। पाकिस्तान टीम पहले 3 ODI खेलेगी और 3 T20 मुकाबले खेलेगी। पहले ODI की बात करें तो 4 नवंबर को खेला जाएगा, वही लास्ट T20 मुकाबले की बात करें तो 18 नवंबर को खेला जाएगा। जैसा कि 4 नवंबर से 18 नवंबर के बीच पाकिस्तान टीम 3 ODI और 3 T20 मैच की सीरीज खेलने वाली है ऑस्ट्रेलिया से। वही पाकिस्तान टीम में कई बड़े चेहरों का कमबैक होने वाला है, यानी कि कई मैच विनर प्लेयरों का पाकिस्तान फिर से कमबैक कराने वाली है। पहला नाम की बात करें, सबसे बड़ा नाम होने वाला आसिफ अली को लेके काफी चर्चे का विषय बना हुआ है और आसिफ अली पाकिस्तान के लिए कमबैक करने वाले है। वही दूसरा नाम की बात करें तो पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक को एज अ ओपनर ओपनिंग करने का मौका मिलने वाला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और अब्दुल्ला शफीक के साथ ही साथ बात करें तो सऊद शकील का भी कमबैक होने वाला है और साथ ही सलमान अली आगा, और साथ ही उससे बड़ा नाम की बात करें तो मोहम्मद हारिस को भी एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेलने का मौका मिलने वाला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वही पाकिस्तान टीम की बात करें तो पाकिस्तान टीम पहला ODI मुकाबला 4 नवंबर को मंडे के दिन पाकिस्तान के टाइम के अनुसार 4:30 बजे खेलने वाली है। लेकिन पाकिस्तान टीम में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ कैप्टनसी को लेके, तो ऑस्ट्रेलिया के सामने पाकिस्तान का कैप्टन किसे होना चाहिए? क्या बाबर आजम फिर से कंटिन्यू कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे या पाकिस्तान बाबर आजम की जगह मोहम्मद रिजवान को आने वाला फ्यूचर कैप्टन बनाने वाली है? तो पाकिस्तान टीम के लिए आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दें। जब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।